आवाज हर भारतीय की एक टाइम। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को लेकर कुल जमाती परिषद जलगांव द्वारा मौन धरना आंदोलन। भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अन्याय और जलगांव जिले में पुलिस बल द्वारा न्यायिक कार्रवाई की कमी के संबंध में शुक्रवार 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य जलगांव शहर के धार्मिक क्षेत्र कलेक्टर जलगांव कार्यालय के बाहर जमा हुए। परिषद ने जलगांव के बैनर तले मौन विरोध प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, जिसमें जलगांव जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को केंद्र सरकार और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल व राज्य सरकार के अनुरोध के लिए एक बयान प्रस्तुत कर बयान की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस महानिरीक्षक और जलगांव के पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है, जिसमें कुल जमाती द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को सौंपे गए बयान में प्रमुख मांगे की गई है कि केंद्र शासन उन व्यक्तियों के खिलाफ UPA के तहत कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आतंकवादी गतियों में भाग लिया या गतिविधियों में शामिल हुए, आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान की लेकिन 5 साल के लिए सामाजिक संगठन PFI और उसके 8 संबद्ध संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में तुरंत प्रबंधित कर दिया, दूसरा नूपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, तीसरा धर्म संसद के माध्यम से मुस्लिम समुदाय से अपील करने वालों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए, चौथा CAA और NPR कानून को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए, पांचवा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, छठा प्रधानमंत्री को अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में 15 अनुच्छेद योजना को लागू करना चाहिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को सजा और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाना चाहिए, आठवां मॉब लॉन्चिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए और मॉब लॉन्चिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, व राज्य शासन से मांग की गई है कि पहला जामनेर तालुका के तोंडापुर में एक अल्पसंख्यक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में भावी 307 और पॉक्सो धाराओं के तहत तुरंत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, दूसरा जलगांव शहर के होटल गोल्डन नेस्ट में एक मुस्लिम युवक से लव जिहाद, आरोपी नंबर 1 शोभा चौधरी और बाकी फरार युवतियों को पीटने और गंभीर चोट पहुँचाने के संबंध में IPC की धारा 153A और B के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तीसरा दैनिक सकल के 26 सितंबर के अंक में प्रकाशित मामुराबाद रोड, बैंडल चौक और खंडेराव नगर पर मुस्लिम समुदाय पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसा भविष्य में फिर न हो। चौथा मुंबई में दर्ज अपराध के संबंध में जलगांव आतंकी गतिविधियों के तहत शहर के युवाओं को आतंकित न करें और सबूत होने पर गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मुख्य धरना आंदोलन में भाग लेने वाले कुल जमात के अध्यक्ष सैयद चंद, शहर काजी मुफ्ती अतिकुर रहमान, सचिव और वहीदत इस्लामी के डॉक्टर जावेद शेख, शाहूनगर मस्जिद नूर के मौलाना अख्तर नदवी, जमात इस्लामी अध्यक्ष सोहेल अमीर, शाह बिरादरी के तौफिक शाह आदि शामिल थे, कोसमवाड़ी मस्जिद के सचिव और इकबाल मिर्जा, MPJ आरिफ देशमुख, जमीयत उलमा के हजीफ अब्दुल रहीम, मनियार ब्रदरहुड के फारूक शेख, ईदगाह ट्रस्ट के ताहिर शेख, अनीस शाह, MIM के अहमद सर, दानिश खान और शिकालगर ब्रदरहुड के रेयान जागीदार, अनवर खान, NCP के मजहर खान, सलीम इनामदार, समाजवादी के रईस बागवान, कांग्रेस के रईस शेख, बाबा देशमुख, शिवसेना के जागीर पठान, पार्षद रियाज भगवा, प्रतिनिधि अकरम देशमुख और हाजी यूसुफ, समाज सेवक जिया बागवान, शहीद सैयद अनम फाउंडेशन आदि उपस्थित थे। या पाठीमागचा उद्देश एकच आहे की संपूर्ण भारतभरात व राज्यभरात मुस्लिम अल्पसंख्याकांसोबत जो अन्याय अत्याचार होतो आहे त्याबाबतीत शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हा धरणे आंदोलन करतो। यात प्रामुख्याने जो दहशतवादी आहे किंवा जो दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहित करतो किंवा जो दहशतवादी कृत्याला आर्थिक पाठबळ देतो अशा व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला आत करणे हे आम्ही सांगू पोलिसांना की त्याला तुम्ही त्याच्यावर त्वरित कारवाई करा आणि त्याला अटक करा।
परंतु जर कोणत्या संघटनेत कोणत्या राजकारणात कोणत्या धार्मिक स्थळात कोणी व्यक्ती तो काम करीत असेल तर त्याच्यासाठी संपूर्ण समाजाला संपूर्ण संघटनेला परिणाम न करता त्या संघटनेवर त्या समाजावर बंदी आणता कामाने आज आमचा हा एक प्रमुख उद्देश आहे. आणि म्हणून आम्ही आज याद्वारे सरकारला विनंती करतोय की निश्चितच PKSमध्ये जो कोणी दहशतवादी कारवायाला उत्तेजित करत असेल, प्रोत्साहित करत असेल, कारवायामध्ये भाग घेत असेल, त्याच्याविरुद्ध जरूर आवश्यक ती कडक कारवाई करा. कहीं हमारे साथ में और हमारे रिश्तेदारों के साथ में या हमारे जो है जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके साथ में कोई गलत मामला ना हो जाए. इसी तरीके से अकलियतों के साथ में जैसे जो ये होटल है गोल्डन नेस्ट होटल, वहाँ पर जो है एक प्रोग्राम चल रहा था, बर्थडे प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर बाकायदा जो है कुछ लोग दाखिल हुए और एक मुस्लिम नौजवान का उन्होंने नाम दिया कि ऐसा शख्स यहाँ पर है क्या. जब उनको मालूम पड़ गया कि वो नौजवान यहाँ पर मौजूद है तो उन्होंने उसके ऊपर जो है लौ जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है उस नौजवान को बड़े सख्त तरीके से मारा पीटा और जो है उस यानी मुसलमान कर और अकलियती समाज से खास ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम समाज का नाम लेकर जो है गलत बातें भी जो नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें भी जो है कही गई और वो मुजरिम अभी तक उनके ऊपर जो है कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है. हम ये मांग करते हैं कि ऐसे मुजरिमों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अकलियती समाज के साथ में जो भी हो जो है जो भी अकलियती समाज है उनके साथ में कोई भी ऐसा मामला ना हो कि आदमी आज रास्ता चलते हुए भी जो है खौफ हिरास का कि मैं ये कपड़े पहनकर जो है इधर से गुजर रहा हूँ कोई मेरे साथ में जो है मुझे पहचान कर मेरे साथ में ज़्यादती ना करें. ऐसे ही ममराबाद रोड के ऊपर और दूसरी जगह भी ऐसे वाक़यात पेश आए और सिलसिले में भी एक मामला ऐसे ही एक नौजवान के साथ में हुआ है. तो हम ये जो धीरे धीरे जो इस तरीके से जराइम बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो जराइम करने वाले हैं वो जो है ऐसी तंजीमों से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो है जो पूरे मुल्क के अंदर ज़्यादती कर रहे हैं और उनका ये है कि हमारे हाथ में हुक्मरानी है और हमारे हाथ में वो ये समझते हैं कि हम जो चाहे. इसलिए जो है हम ये मांग करते हैं जो है कि जो है अकलियती समाज के साथ में जो ज़्यादतियाँ हो रही है जो है उसको रोकने की हम गवर्नमेंट से और ख़ास तौर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि उसको रोका जाए. और बस ये आंदोलन पर बैठे हैं कि बगैर वजह लोगों को अपने घर से उठाकर ले जाना, नई आतंक पर बगैर जुर्म के उन पर जुर्म आयद कर दे रहे. अभी जिसको बोलेंगे हम कि फैसला नहीं हुआ, अभी कार्रवाई नहीं शुरू हुई और उनका आतंक उन पर रोक दे रहे आतंक लफ्ज़. तो इसके खिलाफ हम यहाँ पर है कि पहले कार्रवाई करो. हम तो चाहते हैं कि ये भाजपा है क्या, ये एक ऐसी तंजीम है जो बेवाओं को पेंशन देती है, जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती है और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं काम कर रही है. जब ये कर्नाटक में चर्च पर हमला किया गया तो उनका साथ दिया. किसान आंदोलन में सबसे बढ़कर आगे थे ये लोग. किसान आंदोलन में 99 से ज़्यादा परसेंट 100% कहेंगे तो तमाम हिंदू थे, उसको कहाँ कोई मुसलमान थे. और जितने भी है दलितों के साथ की जो उनके आंदोलन कर रही है, तो ये PFI ऐसी भी मुसलमानों के साथ नहीं दे रही है, इनको कोई नाम नहीं है. वो तो तमाम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़े रहने वाली तंजीम है. अगर गलत इनको आतंक का लफ्ज़ तो दो मत, पहले तो आप कार्रवाई करो और उसके बाद आप किसी का भी जो मतलब जुर्म नहीं है वो साबित कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि उनको गलत नाम ना दिए, पहले आप कार्रवाई कीजिए. और बार बार ही मुसलमानों को तकलीफ देना, घरों से उठा कर ले जाना, फिर इतने इतने साल उनको जेल में रखना और फिर उनके जो बच्चे परेशान होते हैं उसका बाद में बाइज्जत भरी ये कौन सा मसला है. जो 20 साल में वो उस केस में जो कोई 15 साल रहा, कोई 32 साल उसकी पूरा फ्यूचर बच्चों का खराब हो गया, फिर उसके बारे में हमको हुकूमत से मदद नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए. उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, उनके दूसरों के बारे में. और वो उनको उठा कर ले जाना, दूसरे ख़ानदानी अफराद को टॉर्चर करना, ये सब बंद करें. और लेडीज़ के से घरों में आकर तुम बिल्कुल धरना दे रहे हो, सुबह सुबह आ रहे हो, कहीं रास्ते जिसको ले जा रहे हो. तो इन चीज़ों से भी मैं हुकूमत को कहती हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन पर बैन लगाए. बेटा किसी घरों में घुसना, इस पर बैन लगाए, बाहर से कार्रवाई करें. तुम तुम्हारे पुलिस थाने में ले जाए, वहाँ ले जाकर कार्रवाई करें. लेडीज़ मुस्लिमों का गैर मुस्लिमों किसी घर में इंटर ना करें. महाराज